भाई टीचर को डिजिटल बोर्ड के साथ कौन सी लाइट लगाएं बहुत कंफ्यूजन है। तो आज इस वीडियो में हम दूर करेंगे टीचर की सभी कंफ्यूजन, क्योंकि जब टीचर कुछ लोगों से बात करता है, कुछ यूट्यूब वीडियो देखता है, तो कोई कहता है कि ट्यूबलाइट्स लगवा लो, कोई कहता है स्टूडियो लाइट्स लगवा लो। तो कौन सी लाइट किस टीचर के लिए है, इस वीडियो में आज हम क्लियर करेंगे। और मेरा छोटा सा चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें और टीचर्स के पास शेयर कर दें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन या ऐसी स्टूडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। मेरा नाम हितेश कपूर है, एबिलिटी इन्फोटेक से। चलिए शुरू करते हैं। टीचर, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूबलाइट्स की। तो किन टीचर्स को अपने स्टूडियो में या अपने क्लासरूम में ट्यूबलाइट्स लगवानी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है लो बजट। तो जो ट्यूबलाइट्स हैं वो लो बजट हैं, तो अगर किसी टीचर का बजट लो है तो वो ट्यूबलाइट की तरफ जा सकता है, क्योंकि जो एज़ कम्पेयर टू जो स्टूडियो लाइट्स होती हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, उनकी फिटिंग और उनका सेटअप जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, आपका बजट कम है और आप एक अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, तो आप लो कॉस्ट के लिए, स्टार्टिंग के लिए ट्यूबलाइट्स पे जा सकते हैं। नॉट सिर्फ स्टार्टिंग, मतलब ट्यूबलाइट भी एक परमानेंट सॉल्यूशन है, तो आप अगर लो बजट में हैं तो आप एक ट्यूबलाइट से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी कोचिंग सिर्फ ऑनलाइन है, यानी आप जैसे इस तरीके की एक कॉम्पैक्ट स्टूडियो में अगर आप वीडियो बनाते हैं, तो आप ट्यूबलाइट्स के सॉल्यूशन पे जा सकते हैं। हाइब्रिड क्लास में भी, यानी जहां टीचर भी पढ़ा रहा है ऑनलाइन और बच्चे भी बैठे हैं, तो उस सॉल्यूशन पे भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ एक केस में आपको स्टूडियो लाइट की तरफ जाना पड़ सकता है हाइब्रिड क्लास में। आगे इसी वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको अपने स्टूडियो में या क्लासरूम में कोई बहुत अच्छा इंटीरियर नहीं चाहिए, मतलब कि एकदम सब कुछ परफेक्ट, एकदम सब कुछ नीट क्लीन सेटअप दिखे, अगर वैसा कुछ नहीं है, अगर आप ट्यूबलाइट भी लगा सकते हैं, क्योंकि ट्यूबलाइट से भी कोई ऐसा इंटीरियर ख़राब नहीं होता, लेकिन आप चाहते हैं कि ट्यूबलाइट से आपका काम चल जाएगा, तो आप ट्यूबलाइट उस केस में लगा सकते हैं, अगर आपको किसी अच्छे इंटीरियर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो। उसके बाद, अगर आपके वीडियो अगर लॉन्ग ड्यूरेशन होते हैं, यानी आप सपोज कीजिए 1 घंटा 2 घंटा अगर आप अपना वीडियो बनाते हैं लगातार, तो अगर वो स्टूडियो लाइट रहती है जो आपके बिल्कुल ठीक लेफ्ट राइट में रहती है या सामने रहती है, तो उस केस में आपकी आंखों पे, मतलब एक बेसिक लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, तो अगर कोई लाइट आपके बिल्कुल पास में आपके सामने रहेगी, तो उससे आपकी आंखों पे इफेक्ट या स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू आपकी सीलिंग पे जब कोई लाइट रहेगी। तो ये वो कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। लो कॉस्ट अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आपका सिर्फ ऑनलाइन स्टूडियो है, इनफैक्ट हाइब्रिड केस में लगा सकते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे। अगर आपका इंटीरियर अच्छे की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ट्यूबलाइट लगा के अपना काम चला सकते हैं इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी आप ट्यूबलाइट लगा सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियोस होते हैं, तो भी आपको ट्यूबलाइट की तरफ जाना चाहिए ड्यू टू आई स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं स्टूडियो लाइट्स की। तो स्टूडियो लाइट्स की तरफ जब आपको जाना चाहिए, उस केस में कि अगर आपका बजट हाई है और आपको एक अच्छा इंटीरियर चाहिए, यानी आपको एक अच्छा इंटीरियर के साथ आपको लाइटिंग चाहिए, आप अफोर्ड कर सकते हैं स्टूडियो लाइट्स, क्योंकि किसी भी केस में ये 30-40 हज़ार रुपये से ऊपर का ही खर्चा आएगा, जहाँ ट्यूबलाइट 5-7 हज़ार रुपये में आपका काम हो सकता है। इनफैक्ट इस वीडियो को भी जो मैं बना रहा हूँ, ये मेरे सामने कैपमैक्स का PTZ कैमरा है और सीलिंग पे मेरे 6 ट्यूबलाइट्स लगी हैं, तो 6 ट्यूबलाइट से भी आप जो है कैपमैक्स PTZ कैमरे की क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं कैसी आ रही है। नॉर्मली कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अगर नीचे लाइट नहीं लगेगी, अगल बगल लाइटें नहीं रहेगी, तो वो गले में लाइट डार्क दिखता है गला, तो आई डोंट नो, वो मेरे को लॉजिक कभी भी समझ नहीं आया कि भाई स्टूडेंट ने जो आपका वीडियो देखना है, वो कंटेंट देखना है, वो टीचर का गला तो देखना नहीं है, बट फिर भी इनफैक्ट आप भी देख सकते हैं अगर इस वीडियो में मेरा गले पे लाइट जा रही है नहीं जा रही, मतलब जो भी ऐसा लॉजिक देते हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो पॉइंट पे आते हैं, स्टूडियो लाइट आप उस केस में लगा सकते हैं जहां आपको अच्छा इंटीरियर चाहिए और आपका बजट अलाउ करता है। दूसरा, हाइब्रिड क्लास के केस में आपको स्टूडियो लाइट की तरफ जाना पड़ सकता है कुछ स्पेसिफिक केस में। वो केस क्या है कि मान लीजिए जब एक हाइब्रिड क्लास में क्या होता है, टीचर कोई रैंप बना लेता है, रैंप बनाने के बाद बोर्ड काफ़ी ऊपर लगाना पड़ता है सीलिंग के पास, और स्टूडेंट की सिटिंग काफ़ी आगे तक होती है। तो जब स्टूडेंट की सिटिंग काफ़ी आगे तक होती है, तो उस केस में अगर आप ट्यूबलाइट लगाते हैं, तो ट्यूबलाइट के केस में आपके पैनल के ऊपर रिफ्लेक्शन आता है,
तो जब आपके पैनल पे रिफ्लेक्शन आएगा तो सबसे आगे वाली रो पे बैठे हुए बच्चों को उस पे विजिबिलिटी क्लियर नहीं रहेगी, क्योंकि ट्यूब रिफ्लेक्ट करेगी अगर पैनल ऊंचा है तो। स्टैंडर्ड हाइट पे है जितना मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया है लाइट को लेके, आप वो भी चेक कर सकते हैं, इसी चैनल पे एक्सप्लोर कर लेंगे। तो अगर आपका हाइब्रिड सेटअप है और बच्चे बहुत आगे तक बैठते हैं, आप ट्यूबलाइट लगाने की वजह से आपके रिफ्लेक्शन आता है, तो स्टूडियो लाइट पे जा सकते हैं, ताकि स्टूडियो लाइट में जो वो 2x2 के पैनल होते हैं वो आप ऐसे टिल्ट कर लेंगे। टिल्ट करने के बाद साइड में पैनल लगा लेंगे, ताकि आपको ऊपर ज़्यादा पैनल ना लगाने पड़े, क्योंकि अगर आप ऊपर पैनल लगाते हैं तो वो भी 9 पैनल के करीब लगाने पड़ जाते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन करते हैं अगर पैनल ऊंचा है और बच्चे आगे बैठे हैं तो उस केस में आपको लाइट का डिज़ाइन करना पड़ता है। तो उस केस में फिर हम इस सेटअप पे जा सकते हैं। तो ये कुछ दो कंपैरिजन थे, आई होप आपको इसमें हेल्प मिलेगी। और कुछ भी इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरी है, कोई कमेंट है, कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ रह गया हो इस वीडियो में, तो वो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें। इवन कमेंट करके आप मुझे डेफिनेटली बताएं, आप स्टूडियो सेटअप से रिलेटेड, पैनल से रिलेटेड अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो हम लोग डेडिकेटेड इसी के ऊपर, हमारा 24 घंटे 7ों दिन हम लोग सिर्फ स्टूडियो, पैनल, टीचर्स इन्हीं के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो आप अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में थोड़ा हेल्प करें कि टीचर्स की और उन तक भी ये थोड़ा कंटेंट पहुंच पाए। धन्यवाद।